लें जी, मैं बिल्कुल इस्टोपास के एंट्रेंस पे पहुंच चुकी हुई हूँ। यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं खास निशान, ये दामा व्हील कहलाता है, यानी आज आप जो बो रहे हैं वही आपने कल काटना है। और जिसके साइड में ये दो हिरन नज़र आ रहे हैं, ये इस चीज़ की अलामत है कि जितने भी फॉलोअर्स हैं या जितने भी ये टीचिंग अटेंड करने वाले हैं वो बिल्कुल अटेंटिव रहें, जिस तरह हिरन हर खतरे के लिए अटेंटिव होता है, हर बात देखने के लिए अटेंटिव होता है। ये मैं एंटर हो गई हूँ और यहाँ पे मुझे अपनी आवाज़ एहतरामन बहुत हल्की करनी होगी, जैसे मैं अपनी तमाम वीडियोस में कहती हूँ कि आप किसी भी रिलीजन की किसी भी मुकद्दस जगह पे जाएं तो आपको एहतराम करना होता है, और जब आप एहतराम करते हैं तो फिर लोग आपके मज़हब का एहतराम करते हैं। इस तरीके के ये 8 स्तूपाज हैं बने हुए। यहाँ से आपको व्यू दिखाती हूँ, जो ये मेन स्टूपा है बना हुआ, यहाँ पे आपको लेके जाती हूँ। इस एरिया में आप जब भी आएँ तो यहाँ पे विज़िट करना ना भूलें, ये वाकई कारीगरी की एक बेमिसाल, जिसको कहना चाहिए कि एक शाहकार है। ये देखिए, ये जो सामने रखे हुए हैं पानी के कटोरे, इनको श्राइन कहते हैं। अभी मैं सारी मालूमात लेकर आई हूँ। ये देखें जी, इन सब के ऊपर सोने का कागज़ है चढ़ा हुआ, यानी जो गोल्ड है उसको बिल्कुल पेपर की शेप में ला के और उसको लगाया गया है। इसको बनते हुए के कुछ मराहिल मैंने देखे हैं, आपको यहाँ से हेलो ये देखें जी, यहाँ पे अभी भी काम हो रहा है, फर्श बन रहा है, मार्बल लग रहा है, और ये मैंने यहाँ से पूरा आपको घुमा के दिखा दिया है। अब यहाँ से कोई नई जगह आपको विज़िट करवाने ले चलती हूँ। जब भी इस एरिया में आए, लाजमी आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू मस्ट विज़िट दिस प्लेस, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। मिलते हैं नई जगह पे, नई किसी चीज़ के साथ।